गाइस तो अभी मैंने पढ़ाई कर चुकी है, अभी मैं रूम से बाहर निकल चुका हूँ। आज मैंने चैप्टर बहुत सारे जितने भी देखा है मैंने सारे रिवाइज किए, आप जैसे ही देख सकते हो। अभी तो वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही है। कह रहा मम्मी और क्या क्या हो रहा है, अब बताओ क्या क्या हो रहा है। तो गाइस मेरी मम्मी रिप्लाई देने से तो मना कर रही है, चलो गाइस बाहर चलते हैं। और अभी मैं आपको अपने ब्लॉग के सेकंड पार्ट है, जो स्ट्रीट वाला ब्लॉग था, तो गाइस अभी ये वाला है पूरा डे ब्लॉग। अच्छा दादी से मिलो, कोई बात नहीं, देखो हमारे दादी है। दादी नमस्ते। दादी देखो मेरा पहला ब्लॉग देख रही है। गाइस वीडियो का पार्ट टू है ये। हाँ दादी और बताओ। ओम शांति बोल दो। ओम शांति। खैर दादी गाइस इतना ही बोल सकती है, कैमरा के सामने दादी ज्यादातर हमारी बोलती नहीं है। खैर गाइस चलो मैं अभी आपको अपने पेट्स दिखाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था, मतलब डेली लाइफ का ब्लॉग है तो डेली लाइफ में तो मैं आपको चीजें दिखाता ही रहता हूँ। अभी तो चलते हैं अपने पेट्स दिखाते हैं। पापा पीछे से बोली जा रही है कि ब्लॉग बन रहे हैं। और चाची कैसे, हाय वाय तो कर दो मम्मी थोड़ा। मम्मी तो खैर गाइस हमारी रिप्लाई देने से डर रही है। चलो तो गाइस मैं यहाँ पे उतर चुका हूँ। अब मैं अपने, अगर मैं भी पेट्स को बुलाऊँ ना तो गाइस वो अभी के अभी आ जाएंगे। तो गाइस चलो मैं अपने पेट्स को बुलाता हूँ। डायना 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 रॉकी रॉकी। गाइस मेरे पेट्स का नाम डायना और रॉकी। गाइस जब भी मैं इस तरफ को यहाँ पर उनको रात में जैसे खाना डालने जाता हूँ, तो जब मैं रात को खाना डालने जाता हूँ ना, तो उनके नाम लेकर उनको बुलाता हूँ और फिर वो जल्दी जल्दी आते हैं। मतलब गाइस बहुत अच्छे से आते हैं। गाइस मेरे खैर मम्मी बुला रही है। ओ गाइस रहने दो, मम्मी को इग्नोर करते हैं। गाइस ये रहे मेरे दोनों पेट्स, मेरे दोनों डॉगीज देख सकते हो। गाइस देखो ये रॉकी डोरमैन ब्रीड है। रॉकी रॉकी आ आ आ आ। गाइस देखो ज्यादातर खाना मैं इनका यहीं डालता हूँ, इसलिए यहाँ पे आए जा रहे मेरे पीछे, मतलब यहाँ पे वेट कर रहे कि कब मैं इनका खाना डालूँ। अभी तो गाइस मैं इनका खाना नहीं डालने वाला। और गाइस मैंने शायद आपको डायना नहीं दिखाई, मैं डायना को दिखाना भूल गया, लेकिन वो दो डॉगीज है जैसा कि आपने देख लिया होगा। अभी तो खैर गाइस मुझे मम्मी बुला रही थी, तो मम्मी के पास चलते हैं। हाँ मम्मी। गाइस पता नहीं क्यों यार मेरी मम्मी मतलब शर्मा रही है, बोलना ही नहीं चाहती कैमरे के सामने कुछ। और धनंजय हाय कर दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस कर दो। गाइस ये छोटा बच्चा है बहुत ज्यादा, शायद से भी ये 2 साल का होने वाला है, 2 या फिर 3 का, आई डोंट नो। वो तो अंजलि चाची से आस करना पड़ेगा। चलो तो गाइस चाची के पास चलते हैं। मैं गाइस आपको इसी हेल्प बताता हूँ। चाची धनंजय कितने साल का होने वाला है? गाइस 2 ईयर्स का होने वाला है, गलती से मैंने 3 बोल दिया। तो गाइस मैं आपको अभी अपने छोटे भाई से मिलवाता हूँ, ये तो मेरा कजन है, मेरा असली छोटे भाई से। ओए कहाँ जा रहा है यार, तेरा तो इंटरव्यू लेना है, कृष्णा रुक जा। तो गाइस जैसे ही ये वापस आएगा वैसे ही मैं इसका इंटरव्यू लूंगा। गाइस देख सकते हो मेरा सेकंड डॉग यहाँ पे डायना। ओहो ला। तो दूरी भागे जा रही है पापा और उल्टा। हाय गाइस। हाँ तो पापा बोलो, आप क्या बोलना चाहोगे आज? क्या बोलना है बता, किस टॉपिक पे बोलना है बता? किसी भी चीज के ऊपर पापा बोल सकते हैं, हमारे किसी भी टॉपिक के ऊपर। खैर गाइस मैं तो आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करता हूँ। और देखो आरवीर मेरे साथ। हाय, आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, जरा मौसम दिखा। मौसम हाँ देख ही सकते हो। छोटे ब्लॉग है राजा। गाइस हम देखो सिटी में तो रहते नहीं, हम विलेज में रहते हैं, जो कि हमारा पर्सनल होम है, मतलब यहाँ पे रहते हैं अपने। देखो पर्सनल फ्लैट पे आप पीछे से देख पाए होंगे मेरे। चाय इसका भी लो रंजय, कैसे कह रहा है जल्दी बोल, इधर बोल। गाइस देखो छोटा बच्चा हेलो गाइस बोलता है। गाइस इसी उम्र से और भी बहुत चीजें बोलता है, लेकिन शायद ही कैमरा के सामने शर्मा रहा होगा। ऐसे कुछ होगा वैसे बुलवाऊंगा तो बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यार अब कृष्णा बता। गाइस दुनिया का सबसे बड़ा स्टंटर मैन हूं। स्टंटर मैन हूं, साइकिल चला के दिखा फास्ट। आपने इसकी साइकिल तो देखी होगी, भगाता है ज्यादा तेज मत भगाइयो। गाइस जाता जा रहा है, मैं आपको तब तक यहाँ का वेदर दिखाता हूँ। गाइस वेदर देख सकते हो कितना सही है। और गाइस ये है हमारी बैठक, ये तो आपने बहुत सारी वीडियोस में शायद देख ली होगी। पहले मैं शॉर्ट्स डाला करता था अपने चैनल पे, मतलब मेरे चाचा डाला करते थे, अब तो खैर मैं व्लॉगर बन चुका हूँ। मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, मेरे चाचा भी व्लॉग बनाते, दोनों ही व्लॉग बनाते। और यहाँ आप देख सकते हो कितनी अच्छी बैठक है। गाइस ये अंदर से भी बहुत अच्छी है, टीवी और वो सारी चीज़ें यहाँ पे, मतलब गाइस एसी वैसी टीवी सब लगा हुआ है अपना।
अंदर मस्त वहीं रहते हैं, वहीं बैठते हैं। वो गाइस देख सकते हो ये किसके सामने वाला गार्डन है, सामने वाला गार्डन है, दूसरा गार्डन मेरा वहाँ पे मतलब हमारा। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आज आरवीर गैस, तभी आरवीर भी हमारे साथ चल रहा है ब्लॉग बनाने के लिए। गैस चलते हैं, आपको गार्डन का दिखाते हैं, दूसरा वाला गार्डन दिखाते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा वाला गार्डन, वो उसकी एंट्री, लेकिन हम तो यहाँ से ही चले जाते हैं ऐसे कूद कर यहाँ से। गाइस देखो अभी वेदर कितना अच्छा हो रहा है, धूप निकल रही है बहुत अच्छी, शाम का टाइम हो रहा है, मतलब जब इवनिंग बिगिन होती है ना बिल्कुल स्टार्टिंग पे, तो वही टाइम हो रहा है। अभी देखो यहाँ पे वेदर, ज़्यादातर यहाँ पे इस टाइम पे हवाएं चलती है, रात तक हवा चलती है, शायद फिर रात में हवा ही चलनी बंद हो जाती है। लेकिन गाइस कुछ भी कहें यार, गाँव का वेदर बिल्कुल शानदार है, बिल्कुल अच्छा वेदर होता है, और यहाँ पे शहर की तरह ज़्यादा पॉल्यूशन भी नहीं होता। जब भी मैं एक वे चेक करता हूँ तो गाइस 30 से नीचे ही आता है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हर बार नीचे से आते हैं, क्योंकि गांव वाला एरिया है। देखो घर यहाँ पे लोग के पर्सनल पर्सनल है, यहाँ पे एक भी पास में सोसाइटी नहीं है। गाइस देखो भगाते हुए ले जा रहा है। गाइस देखो मेरी दादी आ रही है। गाइस शायद दादी शर्मा रही है तो उनका व्लॉग नहीं बनाते, कोई बात नहीं। यहाँ गाइस मैं वो बता रहा था कि एक वे लेवल इतना कम क्यों होता है, कम इसलिए होता है आप देख ही पा रहे होगे, मतलब लोगों के बहुत सारे प्लांट्स हैं, खेत है, मतलब जितनी ज़मीन आप में घर बनाते हो उससे दो गुना ज़मीन तो यहाँ पे लोगों के पास खेती है, इतने सारे प्लांट्स हैं, इतनी सारी ऑक्सीजन उनसे जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के, जैसा कि आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, ऑक्सीजन और उससे मिलता है ग्लूकोज, आप देख पा रहे होगे। तो जब भी यहाँ पे रेन होती है, जब भी यहाँ पे बारिश होती है, तो एक्वा लेवल जो है ना 20 से भी कम हो जाता है। गाइस खैर मैं भी चलता चलता अपनी बड़ी दादी के पास आ चुका हूँ, मतलब अपनी पड़े दादी के पास। लोग इनसे पूछते हैं, हाँ दादी आप क्या बचाना चाहोगी जल्दी बताओ। कहाँ बताऊँ बेटा, मैं तो कुछ ओम शांति बोल दो, कुछ नहीं बताओगी, ओम शांति बोल दोगी, ओम 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 शांति ओम शांति। आप लोगों को क्या बताना चाहोगे कि जिंदगी में कैसा रहना चाहिए? बढ़िया रहना चाहिए, बढ़िया रहना चाहिए। यही बात है गाइस, दादी तो हमारी कह रही है कि जिंदगी में सबको बढ़िया रहना चाहिए, खुल के जीना चाहिए बिल्कुल ही। गाइस तीसरा घर देख सकते हो, हाँ तो मैं तीन घर लाइन में, यहाँ पे एक मेरे बाबा के जो ब्रदर है उनका घर, और मतलब ये सारे ही हमारे ही घर है एक टाइप ऑफ। तो गाइस मैं अभी चलते चलते उल्टा चलता हूँ, क्योंकि गाइस अभी मैं क्या ही कर सकता हूँ, अभी गाइस आगे का व्लॉग बाद में कंटिन्यू होगा, अभी हम इंटरेस्टिंग चीज़ करेंगे, अभी हम कहीं जाएंगे अभी तब जाके व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। ये वाला वेस्ट स्ट्रीट का सेकेंड व्लॉग है, जब मैंने रेस्ट वेस्ट कर लिया था, वो व्लॉग तो वहाँ पे ख़त्म हो गया था जब मैं घर के मतलब जैसे एंटर कर रहा था घर को, तब ये व्लॉग ख़त्म हो गया था। लेकिन गाइस ये जो सेकेंड पार्ट है ये यहाँ तक बनेगा फिर एक्सटेंड होगा वो तो मुझे नहीं पता, वो तो चाचा पर डिपेंड करता है कि चाचा कितनी उससे मतलब कितनी मुझसे शूटिंग कराएंगे, और पार्ट थ्री में भी मतलब सब जैसे मिलकर व्लॉग बनाते, तो गाइस पार्ट थ्री भी अभी इसका आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं होगी, या फिर अगले दिन का ही व्लॉग बना देंगे, क्या दिक्कत है। खैर गाइस जो भी आपको चीज़ें हो, को भी डाउट हो, या फिर गाइस आप जैसे वीडियो चाहते हो, किस तरीके की वीडियो चाहते हो, आप चाहते हो कि हम वर्ल्ड स्ट्रीट को पूरा दिखाएं, आप ये चाहते हो कि हम मतलब स्कूल को और जो शिवनादर स्कूल है पास में उसको भी पूरा दिखाएं, तो गाइस कमेंट करो यार, खुला खुला कमेंट करो, मतलब मैं देखता हूँ गाइस सब्सक्राइबर्स इतने ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ इतने कम आते हैं, और गाइस कमेंट तो सबसे कम आते हैं, और कमेंट तो बहुत कम लोग, जैसे 3-4 लोग ही करते हैं, हमारे चैनल अभी ज़्यादा बड़ा नहीं है,